उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। कब्रिस्तान जाकर मुसलमानों की कब्रों की ज्यारत करनी चाहिए कि ये सुन्नत है। बाईस याद आखिरत अपने लिए जरिए मगफिरत और अहले कुबूर के लिए सबब मनफ़अत है। इस सिलसिले में तीन फरामीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके गोश गुजार करता हूँ। नंबर एक, मैंने तुमको ज्यारत कुबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज्यारत करो कि वो दुनिया में बेरगबती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। नंबर दो, जब कोई शख्स ऐसी कब्र पर गुजरे जिसे दुनिया में जानता था और उस पर सलाम करे तो वो मुर्दा इसे पहचानता है और इसके सलाम का जवाब देता है। नंबर तीन, जो अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की हर जुमुआ के दिन जियारत करेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी और नेकुकार लिखा जाएगा। उमूमन कब्रिस्तान की हाजिरियाँ लोग देते हैं, सुन्नत भी है तो देनी इस तरह है कि उसमें सुन्नतें मलूज रहें और इसका जो असल मकसद है वो फोत ना हो, और असल मकसद कि दुनिया से बेरगबती और याद आखिरत का बाइस है। इस मकसद को पेशे नज़र रखकर रोना ना आए तो कम से कम रोनी सूरत ही बना ले और कब्रिस्तान की हाजिरी दे। आदाब में से भी है कब्रिस्तान के कि जब कब्रों की ज्यारत के लिए जाए तो राह में फजूल बात ना करे। तसव्वुर कि जहाँ मैं जा रहा हूँ इस वक्त ऊपर से फातिहा पढ़ूंगा, कल मुझे भी अंदर जाना है, ना जाने अंदर भी जाना नसीब होगा या दरिया में डूब मरूंगा। हमारा लिए कि अपना तसव्वुर करे अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करता हुआ, कब्र की वहशत और तंगी को पेशे नजर रखता हुआ अपने आप को डराए कि अनकरीब तुझे पकड़कर इसमें डाल दिया जाएगा। तो जब लोग भी तेरी कब्र में भी फिर इसी तरह हंसते बोलते आएंगे, सर पे रुमाल रख के यूं फातिहा पढ़ेंगे, कुरान तो सीखा नहीं होगा बेचारों ने, जैसे आएगा वैसे पढ़ेंगे और अपने मन को मनाते हुए ईसा अलैहि सवाब करते हुए चले जाएंगे, तेरे लिए इबरत है। तो बहरहाल जब कब्रिस्तान की हाजिरी का मौका मिले तो हरगिज कब्रों पर पांव नहीं आना चाहिए, कब्रों से खाली हिस्से पर खड़े हो और किबले की तरफ पीठ कर ले और कब्र वालों के चेहरों की तरफ मुंह हो तो सलाम इस तरह करना है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले। तो अब चेहरे की तरफ से सलाम अर्ज करने की हिकमत बयान करते हुए मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अले रहमतुर रहमान शाद फरमाते हैं, ज्यारत कब्र मैयत के मुवाजहा में यानी चेहरे के सामने खड़े होकर हो और उस यानी कब्र वाले की पाइंती यानी कदमों की तरफ से जाए कि उस यानी साहिब कब्र की निगाह के सामने हो, सिराने से ना आए कि उससे सर उठाकर देखना पड़े। बहरहाल खूब रो रोकर अपनी और अहले कुबूर की मगफिरत के लिए दुआ मांगे, अगर रोना ना आए तो रोने की सी सूरत बनाए। लोग कब्र पर फूल डालते हैं, हमारे मरवे के फूल काफी चढ़ाए जाते हैं, कब्र पर फूल डालना जो ये जायज है बल्कि बेहतर है। फुकाए किराम रहमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं कब्र पर फूल डालना बेहतर है, जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मैयत का दिल बहलेगा। साहिब बहार शरीयत सदरु शरिया मदरु तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी अले रहमतुल्लाह कवी बहार शरीयत जिल एक सफ़ा 852 इस पर ये जुज़िया नकल करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, यूं ही जनाजे पर फूलों की चादर डालने में हरज नहीं। रद्दुल मुहतार जिल 3 सफ़ा 184 ही पर एक और जुज़िया भी है, कब्र पर से तर घास नोचना ना चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मैयत को ऊन हासिल होता है और नोचने में मैयत का हक जाए करना है। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे।